ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नकली दूध से तो आप सावधान हो गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी नकली दूध से बन रही हैं वो मिठाइयां जिन्हें आप दिवाली के मौके पर खरीदने वाले हैं। तो होशियार रहिए, क्योंकि सैकड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको मिठाई के नाम पर जहर मिल सकता है। मिठाई के नाम पर बिक रहा मौत का सामान, शहर शहर बन रही नकली मावे की मिठाई। त्योहारों के मौसम में नकली मावे से सावधान। दिवाली के लिए अगर आप मिठाई की खरीदारी करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि स्वीट हाउस में करीने से सजी यह मिठाइयां आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, आपको बहुत बीमार कर सकती है, आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। क्योंकि पूरे देश में नकली मावे से बन रही मिठाइयां, शहर शहर चल रहा नकली मावे से मिठाई बनाने का गोरख धंधा। गाजियाबाद की चौपाला मावा मंडी में खाद्य विभाग ने ऐसी एक सूचना पर छापेमारी की। कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल ये पता नहीं कि किस दुकान से कितना नकली मावा मिला है, लेकिन खाद्य विभाग की छापेमारी से मंडी में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों के होश फाकता हो गए हैं। नकली मावा और पनीर जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें हमने आज चार टीमें अलग अलग बना के और घंटागढ़ के पास से मावे की दो गाड़ियां रोकी हैं, जो मेरठ से आने बताया उन्होंने, वहां से मावे के नमूने लिए हैं। उसके बाद जो टीम चोपला मंदिर के पास कुछ मिठाई की दुकानें थी, वहां पे हमने मिठाई के तीन नमूने लिए। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, दूध और मिठाइयों की मांग जोर पकड़ रही है। अब गाय और भैंस का दूध तो अचानक बढ़ नहीं सकता, लिहाजा मिलावटखोर दूध की जगह आटे और डिटर्जेंट से मावा बना रहे हैं, और इसी नकली मावे की मिठाइयां दुकानों तक पहुंच रही हैं। नकली मावे और सिंथेटिक दूध से बनी ये मिठाइयां लोगों को बीमार बना सकती है, लिहाजा प्रशासन ने इस मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की ठान ली है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी आसपास के जिलों से नकली मावे की सप्लाई हो रही है। पिछले 15 दिनों में हमने 3-4 जगह 20 क्विंटल के लगभग भी मावा डिस्ट्रॉय करा चुके हैं, और ये हम दीपावली तक इसको लगातार जारी रखेंगे कि कोई भी नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में ना लाए। मिलावटी मावा सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इस मावे से बनी मिठाइयां फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकती हैं। मिठाई खाते ही आप उल्टी दस्त के शिकार हो सकते हैं। इस मावे की मिठाई आपकी किडनी और लिवर को भी खराब कर सकती है। यही नहीं, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी कारण बन सकता है। यही वजह है कि प्रशासन अब मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। गाजियाबाद के मावा मंडी में हुई हालिया छापेमारी के बाद खाद्य विभाग ने जब्त नमूनों को जांच के लिए लखनऊ के लैब में भेज दिया है, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो उसका सलाखों के पीछे पहुंचना तय है। अधिकारियों के मुताबिक अगर इन सैंपल में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी तत्व मिलता है तो फिर उसे कम से कम 6 महीने की सजा होगी। दो तरह के मुकदमे हम लोगों के विभाग द्वारा दायर किए जाते हैं। अगर उसमें केवल स्टैंडर्ड डाउन है तो उसमें एयरपोर्ट में हम लोग मुकदमा दायर करा देते हैं, जिसमें 10 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान है, और अगर कोई हानिकारक पदार्थ उसमें मिलता है तो एसीजीएम कोर्ट में वो 6 माह की सजा तक उसमें संभव है। मिलावट का ये महाजाल त्योहारों के मौसम में खास तौर से रचा जाता है। इस जाल में आपसे मिठाई, मावा, दूध, पनीर और घी के पूरे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले आपको मिलती है बीमारी। लिहाजा यहाँ नकली मावे का कारोबार पूरे देश में सबसे ज्यादा होता है। मुनाफे के लालच में अंधे हुए व्यापारी गाँव में नकली मावा बनवाते हैं और फिर उन्हें ट्रक पर लादकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचा देते हैं।